रामदास जी बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ज्ञानी संत सिंह जी, मस्कीन जी, कौन नहीं जानता उन्हें। सिख पंथ की महान शख्सियतों में से एक। वो एक बात अक्सर सुनाया करते थे अपनी कथा में, कहते थे मेरा एक जान पहचान वाला बहुत धनवान आदमी, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ये बात ज्ञानी संत सिंह जी, मस्कीन जी सुनाते थे कि मेरा एक जान पहचान वाला, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कर्मों के लेख, धन बहुत था, अमीर था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, देशों विदेशों में घूमा। एक साल भटकने के बाद कहने लगे, मुझे अचानक मिला तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अलवर वो समागम कराते थे, वहीं पर कहते मिला, समागम में आया तो हमने पूछा, तेरी आंखें ठीक हो गई, कौन से डॉक्टर से इलाज कराया? तो कहने लगा, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तो मस्कीन जी कहने लगे, हमें भी बता दे भाई कौन सा डॉक्टर है, किसी की आंखें खराब होगी तो बता देंगे भाई, वहां चले जाकर। तो उसने जो बात बताई, मस्कीन जी कहने लगे, नोट कर लो। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। रामदास सरोवर नाते, सबुतरे पाप कमाते। एक बात को समझ लेना, एक होते हैं तन के रोग, आहारिक रोग, हम ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये आहारिक रोग है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। एक होते कर्म रोग, आंखों की रोशनी चली जाना, कैंसर हो जाना, ये कर्म रोग है। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जिनका इलाज ना हो, जिसके लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, ये दुनियावी बीमारी नहीं, ये कर्म के रोग होते हैं। कहने लगा, जब सब जगह से हार गया था तो कोई गुरुमुख मिल गया, उसने रास्ता बताया कि गुरु रामदास जी के दर पे क्यों नहीं जाते। कहने लगा, मुझे बानी तो कंठ थी, दिखाई नहीं देता था, पर मैं पहले से नित्यनेम पक्का करता था, तो इसलिए रात को 12 बजे स्नान करके, किसी ने कहा कि रात को अमृत वेले चले जाओ। कहने लगा, रात को 12 बजे मैं सरोवर में स्नान करके, उसी किनारे दुखभंजनी बेरी जहाँ पर है, वहाँ पर स्नान करके वहीं पर बैठ जाता था पास में, और जोर जोर से बानी पड़ता था। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहने लगा, फिर जब कीर्तन शुरू हो जाता, सुबह तक मैं कीर्तन सुनता, 6 बजे मैं वापस आता था। कहने लगा, आठवां दिन था, आठवां दिन केवल, 40 दिन का मन बना के गया था मैं किसी के कहने पे कि अमृत वेले स्नान करके वहां पे नित्यनेम करना, सिमरन करना, आठवां दिन था। कहने लगा, मैंने स्नान करके जब सर बाहर निकाला, मुझे सरोवर के दर्शन होने लगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या कहेंगे, और ये तो चलो मस्कीन जी बता रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है सत्संग जी, चमत्कार। आपको अगर विश्वास ना हो तो जब वहां जाते हो, एक नोटबुक लेकर खड़े हो जाओ बाहर, जो आदमी बाहर निकले पूछो, भाई तूने यहाँ से क्या पाया, एक दिन में 10 नोटबुक भर जाएगी आपकी। प्यार से बोलिए, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास।